نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سامعين الرسول खामोश हो गए अब जो हम सब सुबह से लेकर जमा हो रहे हैं यहाँ जो अपने कारोबार को अपने मशगूलियात को आगे करके और अपनी तजारत को और अपनी दूसरे मसरूफियात को आगे पीछे करके जो सुबह 9 बजे से एके बाद दीगर जमा हो रहे हैं और एके बाद दीगर पूरे दरगाह के अंदर जमा हो गए फिर वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब ये हम सब का जमा होना और हम सब का सुबह मिलकर यहाँ तक पहुँचना ये सिर्फ और सिर्फ नबी के मोहब्बत के लिए है और ये हम जो आए हैं नबी के मोहब्बत में आए हैं और हमारा कोई और मकसद नहीं है। इसलिए आज हम अपना सबूत पेश कर रहे हैं कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा ये टाइम कम है इसलिए कम वक्त में कुछ बातें मैं बताता हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और आग को भड़काया गया और आग की चिंगारियां जब आसमानों से बातें करने लगे और उस वक्त सब के सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। कोई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछने वाला नहीं था उस वक्त। तो ये चिड़िया उस वक्त अपने चोट में लेकर पानी डाल रही थी आग के ऊपर। हालांकि चिड़िया और जानवर छोटा सा जानवर है ये और उसका मुंह भी बहुत छोटा और अपने मुंह में पानी लाकर आग में डाल रही थी और वो चिड़िया कोशिश कर रही थी कि आग बुझा दो कर रहे हैं और तुम्हारे चोट में जो पानी आ रहा है बहुत कम है ये कचरा या उससे भी कम है इसलिए तुम्हारे मुंह में पानी जो आ रहा है उससे आग नहीं बुझेगी। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तो चिड़िया ने उस चिड़िया से कहा कि तेरी चोट में जो पानी आ रहा है उससे आग बुझने वाली नहीं है फिर क्यों कोशिश कर रहे हो क्यों मेहनत कर रहे हो। तो जो चिड़िया पानी ला कर डाल रही थी उसने कहा कि मैं भी समझती हूँ मैं भी जानती हूँ कि मेरे चोट से जो पानी आ रहा है उससे आग नहीं बुझती लेकिन मुझे इब्राहिम से दोस्ती का सबूत पेश करना है इसलिए कोशिश कर रही हूँ। तो आज जो हम सवा जमा हुए हैं अपने नबी से मोहब्बत के लिए नबी की मोहब्बत में हम सब जमा हुए हैं और अल्लाह ने कुरान में कह दिया वो ऐसा लगा जिक्र हमने अपने नबी को बुलंद कर दिया है उनका जिक्र बुलंद कर दिया है उनके नाम को बुलंद कर दिया है उनकी शान को बुलंद कर दिया है और जिसके मर्तबे को अल्लाह ने बुलंद किया उसको कोई गिरा नहीं सकता और उसको कोई कम नहीं कर सकता। अच्छा ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को एहसास बख्शा है। Yeah!
Fácil do, fácil do.